ताकि अस्पताल जाने की कभी नौबत ही ना आए। तो चलिए, ये सब कैसे होगा, ये सब कुछ मुमकिन कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आज तो सबसे पहले झूले पे बैठे कपल के दर्शन हो रहे हैं। स्वामी जी का दर्शन हो तो उनका स्वागत कर लिया जाए। हरियाली तेज है आज। अच्छा, तो स्वामी जी पहले प्रणाम। ये अभिषेक जी और विशेष जी हमारे डॉक्टर हैं। हरियाली तेज है ना। प्रणाम आपको। प्रणाम स्वामी जी। और प्रणाम प्रणाम। तो देखो, आज झूले के दर्शन तो इसलिए हो रहे थे कि हरियाली तीज है। तेरे घर हमारी बेटी साक्षी और ये आज एडवांस योग भी कर रहे हैं, उसके भी दर्शन हो रहे हैं। उसके पीछे तो हरियाली तीज में स्वामी जी पति पत्नी झूले पर झूलते हैं एक साथ। मैंने गीता दोनों गीता है, एक ननद है और हाँ। स्वामी जी ये मौका मेरे पास, मीनाक्षी के पास, ज्योत्सना के पास तो है, पूजा के पास नहीं अभी। अरे नहीं, जे, जो, जो है हमारी तरह से जो अभी इस बंधन में नहीं बंधे हैं वो फ्री स्टाइल कितने झूला झूलो। अकेले झूला झूलने में झूले के टूटने की संभावना कम होती है। ये सूर्य नमस्कार करें, जो कठिन योग कर सकते हैं कठिन योग करें। सहज योग भी बहुत जबरदस्त है। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। रोज हम सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग, दंड बैठक से, पावर योग से शुरुआत करते हैं। आज हम ये पेट के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, अलग अलग प्रकार के संक्रामक रोगों से बचने के लिए इम्यूनिटी का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी कारण से, चाहे दूषित अन्न से, दूषित जल से और दूषित रक्त से, तो ये हेपेटाइटिस फैलता ही फैलता है। और हेपेटाइटिस तो खतरनाक है ही। ये श्रेया बेटी जो अभी तो आपको एकदम ठीक ठाक दिख रही है, 7 साल से स्टीराइड ले रही थी, आई थी तब रो रही थी, कोलाइटिस के कारण से ब्लीडिंग हो रही थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और स्टीराइड बंद हो गया, ब्लीडिंग बंद होगी तो अब तो खुश है कि बाबा जी ये तो जान बच गई। बहुत खतरनाक, इस एक गीता को ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, दूसरी को ब्लड कैंसर, ब्लड ल्यूकेमिया, और अब तो जान बच गई। नहीं तो 4 साल तक तो ये नहीं पता था पति कौन है, बच्चे कहाँ हैं और वो खुद कहाँ है। 4 साल की मेमोरी ही नहीं है इसको पिछड़ी। लेकिन योग से जिंदगी बनती है, जिंदगी मिलती है, और ये जितने भी बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज एक शब्द में बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा है हेपेटाइटिस बी, और उससे करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। और साहब वो भी योग से, आयुर्वेद से, ये भूमि आमला स्वामी जी मकोय। और हमारा मकसद देखिए यही है, इसी से ही लिवोग्रिड जी मेरे भाई, लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करके ऐसी जो लोगों की इस तरह से जाने जा रही हूँ, लोगों को बचाना है, लोगों को सेहत की तरफ लाना है। लेकिन स्वामी जी सबसे पहले हम लोगों ने झूले की बात की, अकेले झूला झूलने का सुख क्या होता है अब हम तो नहीं जानते स्वामी जी, लेकिन साथ में झूला झूलने का सुख और एक दूसरे के लिए व्रत रखने का सुख क्या होता है, इसकी थोड़ी बहुत खबर है हम लोगों को। तो स्वामी जी योग की शुरुआत तो आपने करवाई दी है, फास्टिंग के साथ योग का जो तालमेल है वो किस तरह से बैठाया जाए इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि आज हरियाली तीज है और इस मौके पर महिलाएं जो हैं खासतौर से निर्जला उपवास रखती हैं, और पुरुष क्यों नहीं रखते, उन्हें भी रखना चाहिए, सारी जिम्मेदारी महिलाओं की है। बहुत बड़ा तत्व है उपवास और उपासना। तो एक बात तो ये है कि इंटरमिटेंट उपवास तो रोज कर सकते हैं, वो हम भी करते हैं, ये महिला पुरुष की बात नहीं है। एक दूसरे के लिए उपवास करने से उसका भी पुण्य मिलता है। तो पत्नियां जो पतियों के लिए उपवास करती हैं उससे
अपना शरीर, अपना अंतर मन, चित्त चेतना, आत्मा शुद्ध होती है, वो तो बात सही है ही। उससे एक एक सेल का ऑटोफेजी, माइटोफेजी और उसका एपोप्टोसिस, एक एक सेल का पूरा जीवन चक्र अच्छा होता है, वो तो सही है। हाँ, उससे पुण्य भी मिलता है। हम उपवास करते हैं उससे किसी और को भी अन्न मिलता है ना, फिर तो भूख की समस्या का भी समाधान होता है। हंगर मैलन्यूट्रिशन पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे भी करोड़ों लोगों की जाने जाती हैं। तो खैर, तो उपवास पूर्वक, इंटरमिटेंट उपवास तो मैंने कहा रोज़ कर सकते हैं, जिसके लिए बार बार हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि सुबह का एक बार 10 से 12 के बीच का भोजन और शाम को 5 से 7 का भोजन, ये इस जिन्होंने करना शुरू कर दिया है। फिर इसके बाद निर्जला उपवास, जैसे आपने कहा, हम इस्लाम से लेकर के हिंदू धर्म से लेकर के सभी मत पंथों में पूरी दुनिया के जो भी आस्तिक लोग हैं, सभी जो है कोई रोज़ा रखता है, कोई उपवास रखता है, वो शब्द प्रयोग भिन्न है, तत्व उपवास सभी जगह है। तो निर्जला उपवास भी करते हैं, जल के साथ उपवास करते हैं, फिर फल के साथ उपवास करते हैं, औषधीय उपवास करवाते हैं। जैसे किसी को लीवर की बहुत पुरानी प्रॉब्लम है तो भूमि अवला पुनर्नवा मकोई के ही जल के ऊपर उसको सुबह तो ऊपर शाम जल पिलाते हैं, उससे उसको कोई कमजोरी नहीं आती और उसका लीवर पूरा रिकवर हो जाता है। चाहे उसको हेपेटाइटिस है, लीवर फाइब्रोसिस है, फैटी लीवर है, लीवर कैंसर तक इससे अच्छा हो जाता है। खैर, तो निर्जला उपवास, जलोपवास, रसोपवास, फलोपवास, फिर एक विशेष प्रकार का, जैसे किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है। आज एक छोटा सा बच्चा ही आया सुबह मेरे पास, तो बोला स्वामी जी मेरा बीपी बढ़ गया था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, नाक बंद था, 3 ही दिन में खुल गया। क्या नाम था? अभी आया नहीं इधर नहीं। तो भी छोटे बच्चे का बीपी बढ़ गया, बताओ 160 बीपी। तो ये जिनको भी ऐसे ये नाक बंद है, उनको खजूर कल्प कराते, खजूर पर उपवास कराते, कफ रोगों में, वात रोगों में हम उपवास कराते हैं, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने के रस के ऊपर। स्वामी जी, इन लोगों को डांट के झूले पे बैठा है क्या आपने? सब्जी खिलाते हैं, कुछ नहीं देते। वो दोनों लोग आपस में बिल्कुल बात भी नहीं कर रहे। तो चलिए खैर, जाने देते, अंतर्मुखी हैं। हाँ, अभिषेक जी और विशेष जी विशेष रूप से जो है अंतर्मुखी रहते हैं, पत्नियां बड़ी प्रसन्न है इनकी। अरे भाई, कह रहे हैं कि तुम लोग कुछ नहीं, कॉन्शियस हो गए स्वामी जी। कैमरे के सामने बैठा दिया है झूले पर, अब बात कैसे करें, संकोच हो रहा है। अरे वो उनकी तरफ जब ये कैमरे का मुंह किया तो वो थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हो गए थे। हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, ये तो थोड़ी हंसी मजाक में हमने। अच्छा स्वामी जी, देखिए व्रत का जो विज्ञान है ना, वो बड़ा कमाल का है। मैं जी मेरे भाई, व्रत में जो विज्ञान है वो बड़ा कमाल का मुझे दिखा, कि मैंने व्रत रखा पत्नी की लंबी उम्र के लिए, व्रत का पुण्य मुझे मिला, बॉडी डिटॉक्स मेरी हुई, उम्र लंबी पत्नी की हुई। बड़ा कमाल का विज्ञान है, बहुत शानदार है, इसलिए सबको व्रत रखना चाहिए। और फास्टिंग करने से, ये अच्छी बात है, फास्टिंग करने से बॉडी डिटॉक्स होती है, शरीर में जो गंदगी है वो शरीर से निकल जाती है। तो स्वामी जी, फिर एक सवाल ये भी जहन में आता है कि क्या कोई योग भी ऐसा है, कोई योगाभ्यास ऐसा है जिसको करके बॉडी को डिटॉक्स किया जा सके, अंदरूनी तौर पर प्यूरिफाई किया जा सके? ये सारे ही योग बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए होते हैं। तो डिटॉक्स होते हैं, एक तो हम जब पसीना बहाते हैं, हम रोज इसलिए करते हैं, दंड लगाते हैं ऐसे, तो पसीने से बॉडी डिटॉक्स होती है, मलमूत्र ठीक से हो जाए उससे बॉडी डिटॉक्स होती है, और मलमूत्र और पसीने के अलावा जब सांस पूरा लेते हो पूरा छोड़ते हो उससे भी बॉडी डिटॉक्स होती है, और जब शंख प्रक्षालन करते हैं, जल नीति सूत्र नीति करते हैं, उससे भी बॉडी डिटॉक्स होती है, और जब ऐसे कठिन योग जैसी बेटियां कर रही हैं यहाँ पर, ऐसे जब कठिन योग करते हैं तो अलग अलग अंग प्रत्यय के अंदर जो गंदगी जमा रहती है
वो निकल जाती है, उससे भी बॉडी डिटॉक्स होती है। और जब हम प्रसन्न रहते हैं ना, अब जैसे ये हमारी बेटियां मेहंदी लगा रही हैं, आहा, इससे भी जो है, हाँ, इन्होंने इसकी भी वह स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है। प्रसन्नता से बॉडी डिटॉक्स होती है, तो चित्त को प्रसन्न रखें। हाँ, चित्त की प्रसन्नता से बॉडी, माइंड, सोल शुद्ध होते हैं। स्वामी जी, प्रसन्नता से, प्रीति से, उत्साह से हमारे भीतर। जी मेरे भाई, स्वामी जी, मेहंदी वाला कार्यक्रम जो अभी आपने दिखाया, मुझे याद है कि पूजा बहुत जल्द इसके लिए आपसे कुछ संपर्क भी करेंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप उन्हें मार्गदर्शन दीजिएगा। बहरहाल जी स्वामी जी, ये मेहंदी की मेडिसिनल वैल्यू भी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी वैल्यू है उसकी, तो सारी वैल्यू उसके बारे में बात हो जाएगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए हमारा जो पेट वाली चक्की है स्वामी जी, और बॉडी ऑर्गन्स जो सारे हैं, वो 24/7 और साल के पूरे 365 दिन वो चक्की चलती रहती है, काम करती रहती है, उसे आराम ही नहीं देता कोई। अब व्रत अगर किसी ने रखा तो जाहिर है उसने अपने पेट को आराम दिया, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट दिया, उसको रेस्ट करने का मौका दिया। उससे क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो और पावरफुल हो जाता है, उसमें उसको और ताकत मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे बीच ऐसे भी हैं स्वामी जी, जो व्रत नहीं रख सकते किसी वजहों से, कुछ कारणों से, तो वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बेहतर करें? ये आपने एकदम ठीक कहा कि उपवास करने से, जैसे अब आजकल तो 5 days वीक भी हो गया, दो दो दिन कुछ लोग आराम करते हैं, वैसे तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और हमारे जैसे लोग ऐसे भी हैं जो, जैसे हमारा लीवर, किडनी, ब्रेन 365 दिन काम करते हैं, और बीच में बहुत कुछ सेकंडों के लिए वो जो है उनको आराम मिलता है, हार्ट कुछ सेकंड के लिए, सेकंड के कुछ हिस्से, हार्ट को कैसे आराम देंगे? उसी से आराम मिल जाता है उसको, थोड़ा सा डिटेल कीजिए। हाँ, वो सेकंड के कुछ हिस्से में आराम कर लेता है, ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, ये योग मूलक कर्म योग, तो कुछ क्षणों, एक सेकंड के भी कुछ हिस्से के लिए वो जो है उसी को ही, उसी में वो विश्राम कर लेता है, बाकी तो सेकंड के कुछ हिस्से में जब वो अपना हार्ट, ऐसे ही जब हम रात को सोते हैं तब थोड़ा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है, उसी से ही लीवर, किडनी, ब्रेन सब रिलैक्स हो जाते हैं। सहज कर्म जब होता है उससे भी हम रिलैक्स रहते हैं, जब हंसते खेलते प्रसन्नता आनंद से जब हम कार्य करते हैं तो जैसे थकते नहीं, तो आराम के भी कई प्रकार हैं। तो जहाँ तक आपने बात कही कि जो उपवास नहीं रख पाते, खास करके जो बहुत कमज़ोर लोग हैं, तो जैसे जिनका हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है, तो उनको उपवास कैसे करना, तो उनको अनार, गाजर, चुकंदर, खजूर, मुनक्का, अंजीर, अनार, गाजर, चुकंदर का तो रस पी लें, खजूर, मुनक्का, अंजीर ये भिगो करके खा लें गर्मियों के अंदर, और सर्दियों के अंदर दूध में उबाल के पी लें तो उपवास हो गया और खून भी बढ़ जाएगा। जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उनको एसिडिटी हो जाती है उपवास करने से, तो उनको जिनको अनुकूलता हो वो नारियल के पानी पर उपवास करें, और साथ ही में मंडूक आसन, योग मुद्रासन जो हम बता रहे हैं, ये आसन करें तो एसिडिटी नहीं होगी। जिनको एसिडिटी होती है उनको उपवास करने से पित्त बढ़ने की संभावना रहती है, तो उनको हम शीशम, पीपल, बेल, वीटग्रास, एलोवेरा, सौंफ का पानी, जीरा, धनिया, सौंफ, इनका भी पानी पिला देते हैं इससे भी। और जिनको इतना भी करने से ना हो तो अंकुरित, ये जो अंकुरित रखा है ना, ये अंकुरित बड़ा ज़ोरदार होता है। अंकुरित जो है इससे एक तो विटामिन डी, B12 और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ना उसकी पूर्ति हो जाती है, अंकुरित में बड़ा सामर्थ्य होता है। ये अंकुरित वही अनाज होता है, लेकिन जब ये
इसमें से ये अंकुर फूट जाते हैं ना, ये मूंग भी है इसमें, मोठ भी है और चना भी है। ऐसे जिनके पास सामर्थ्य हो तो थोड़ा मूंगफली, बादाम, अखरोट आदि भी सभी चीज़ें। और वैसे ये जो है ना सबसे अच्छा तो ये मूंग जो है, ये इसलिए भी होता है कि अब इसमें थोड़ी सी स्वामी जी थोड़ा सा इसमें भी बता दीजिए आप। एक साथ हम भिगो करके रात में चना और ये दाल भिगोई तो सुबह इस तरीके से अंकुरित नहीं हो पाती, तो क्या दो दिनों के लिए इसको रखना होता है क्या, या फिर इसको किसी चीज में बांधा जाता है? हाँ, ये आपने ठीक पूछा। ये इसको एक दिन तो ऐसे दिन भर 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया, फिर इसको निकाल करके गीले कपड़े में लटका देते हैं, अथवा ऐसे पात्र में पहले इसको भिगो दिया, और हम तो ज़्यादा मात्रा में करते हैं, हजारों लोगों के लिए करते हैं, तो ऐसे पात्र में छोड़ देते हैं, तो जो इनका जो गीलापन है ना, वो इनके अंदर वो मॉइस्चर रहता है थोड़ा, तो इसको ऐसे ही छाया में रख देते हैं, तो अपने आप ये दो दिन का अंकुरण है इसमें जो आप देख रहे हैं अभी मेरे सामने। इसमें मेथी है, मूंग है, मोठ है, चना है, तो ये दो तीन दिन में ऐसे बड़े बड़े, और जितने बड़े अंकुर होंगे उतना ही ज़्यादा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। तो जिनको एसिडिटी ज़्यादा होती है वो थोड़ा अंकुरित ले सकते हैं, वो एलोवेरा ले सकते हैं, और जो दूसरे उपाय, तो जिनको पित्त ज़्यादा रहता है वो भी उपवास ऐसे कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, ऐसे उपवास करने से बॉडी ऑर्गन्स को थोड़ा सुकून, थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन हार्ट को आराम देने की कोशिश ना करें, वो अपने आप आराम कर ले रहा है, वरना कहीं और जाके आराम कीजिएगा आप, तो बेहतर ये है कि हार्ट को मजबूत रखिए वर्कआउट करके, योगाभ्यास करके। स्वामी जी अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। अब WHO की एक रिपोर्ट आई है स्वामी जी, उसके मुताबिक साल 2030 तक क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज 70% मौत की वजह बन जाएगी। अभी भी लाइफस्टाइल बीमारियों की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने जा रही हैं, और स्वामी जी आए दिन जो लगातार स्टडीज आती हैं अलग अलग, उसके मुताबिक ये पता चल रहा है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल बीमारियों की गिरफ्त में हैं, जिसमें नंबर वन पर आता है हार्ट की बीमारी आती है, जिसमें स्ट्रोक का ख़तरा भी शामिल है। तो महिलाओं को इस बीमारी से कैसे बचाएं और स्ट्रोक का ख़तरा कैसे कम किया जाए, हार्ट कैसे मजबूत किया जाए? ये हार्ट के खतरे को टालने के लिए गोमुखासन पहले किया, फिर ये अभ्यास कर रहे हैं। और ये की बीमारी, ये बीमारी महिलाओं के पीछे क्यों पड़ी है स्वामी जी ज्यादा? नंबर पर मोटापा, ये बीमारी ये इसलिए पड़ी है कि एक तो महिलाएं अपने ऊपर बोझ बहुत ले लेती है, तो बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जीना है, निर्भर होकर के अपने कर्तव्य को का निर्वहन करना है, जैसे हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, हमने कितने बड़े बड़े उत्तरदायित्व तो अपने सिर पर ले रखे, लेकिन उसका बोझ नहीं लेते, बोध तो है हमें अपने कर्तव्य का। तो महिलाएं एक तो अपने दिल की बात कई बार कह नहीं पाती, तो दिल पर और ज़्यादा फिर, तो फिर स्वामी जी सारा दिन कहती क्या रहती हैं? तो अपनी दिल की बात जैसे महिलाओं की जो है ऐसा है, महिलाओं को बदनाम कर दिया गया है कि महिलाएं बहुत बोलती हैं, चुगली बहुत करती हैं, चुप नहीं रह सकती है। स्वामी जी फैक्ट बात बताऊं क्या, शाम तक कितनी निंदा करती इसका मैं फैक्ट चेक कर देती हूँ शुरू कर। आप सारे समस्याओं का समाधान करते हैं फैक्ट चेक करते हैं। इसका फैक्ट चेक ये है कि जो वो बोलना चाहती हैं वो आदमी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो सुन लेता है तो उसका दिमाग गर्म हो जाता है, इसलिए वो बातें अपने मन में जब्त कर लेती है और फिर वो बोलती हैं जो आदमी सुनना चाहता है। तो ये है फैक्ट चेक हुसैन, फिर दिल पे बोझ बन जाता है। चलिए खैर इसे जाने देते हैं स्वामी जी, महिला और पुरुष दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों बराबर से चलेंगे तभी ठीक है मामला, इस झगड़े को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन आप बता रहे थे स्वामी जी कि महिलाएं क्यों आखिर इस तरह की बीमारियों की गिरफ्त में ज्यादा है, उनको बचाए कैसे जाए, ये जरूरी है। तो उसमें एक तो हमने बताया ये गोमुखासन, और फिर स्कंध संचालन, फिर ये पवन मुक्तासन, वरकटासन, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे, फिर अर्जुन की छाल दालचीनी, ये
चाय कॉफ़ी की जगह चाय कॉफ़ी बहुत पीती है महिलाएं, घर में मेहमान आए थोड़ी बच गई तो थोड़ा ये वाला कार्यक्रम तो करती है। देखो कई बार रोटी भी बच गई तो बोले इसको कहाँ फ्रिज में रखेंगे, चलो भीतर वाले उसी में ही मशीन में ही डाल लेते हैं। तो ये ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, अनहेल्दी ईटिंग तो कतई नहीं होनी चाहिए, ईटिंग के नाम पर चीटिंग कतई नहीं करें अपने साथ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें खा लेती हैं बार बार, खाने की आदत, किसी को तीखा चटपटा खाने की आदत है, ये सब हार्ट के लिए थायराइड के लिए अच्छे नहीं होते और इनसे हार्ट की थायराइड की कोलेस्ट्रॉल की ओबिसिटी की सब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ये मरकटासन हार्ट के लिए बड़ा अच्छा, बीपी के लिए भी बड़ा अच्छा, अभी फिर थायराइड के लिए भी बताएंगे, ओबिसिटी के लिए भी बताएंगे। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है और उसके लिए रोज़ कम से कम अपने डिजीज़ के अकॉर्डिंग 3 से 5 आसन भी कर लिए तो हार्ट वाले यदि जो है ये अभ्यास कर लेंगे तो, और कार्डियोग्रिट हृदय अमृत अर्जुन की छाल अर्जुन अरिष्ट ये तो सब हम बताते ही बताते हैं, उसको साग सब्जियां और ख़ास करके लौकी, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी का जूस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट डाइट पर रखते हैं हम 2 महीना और हार्ट डिजीज कितना ही। एक खास बात, एक बार किसी को हार्ट अटैक आ गया और वो मरा नहीं, यदि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा तो 100% हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकता है। हार्ट के ब्लॉकेज हो, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, हार्ट के अंदर वाल लीक हो, हार्ट इनलार्ज हो, पल्पिटेशन हाई हो, किसी भी तरह की हार्ट की बीमारी हो जो हमने अभ्यास बता दिए इससे ठीक हो जाएगी। अब बात रही थायराइड की तो उसके लिए एक तो ये मत्स्यासन पद्मासन में ऐसे, फिर सर्वांगासन हलासन सिंहासन उजाई, इससे थायराइड और थायरोग्रिट धनिये के पानी के साथ, और ये पॉइंट दबा देते हैं, ये वाला बड़ा ज़बरदस्त है हार्ट के लिए तो ये है, ये थायराइड के लिए है, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट। और ये मत्स्यासन लाइफस्टाइल डिजीज की बात कर रहे थे तो ये सर्वांगासन हलासन बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर ओबिसिटी, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज क्या, ये तो सारी बीमारियों की जननी है मोटापा। तो अच्छा, इस मोटापे में भी स्वामी जी एक बात हम जरा बताते चले दर्शकों को, भी मोटे होते हैं कुछ, दोनों ही मोटे होते हैं स्वामी जी, कम्युनिकेबल डिजीज हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल, दोनों अपने अपने तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। तो एक और रिपोर्ट आई है स्वामी जी जिसमें यह बताया जा रहा है कि 61% जान जाने की वजह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में जहां पर लोगों में ज्यादातर शुगर, बीपी और स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं, तो दक्षिण भारत के हिस्सों में मोटापा जो है स्वामी जी वो विकराल रूप ले रहा है। तो आपको थोड़ा सा उधर भी कैंप करना होगा। तो ये नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ के लोग फिट रहे, शुगर बीपी और मोटापा चूंकि आप ओबेसिटी पे आ गए थे, कर्नाटक में गुंडा गुंडी और तमिलनाडु केरल में पहुंचते उसको गुंडा गुंडी और जाड़ा जाड़ी गुजराती में बोलते हैं। तो ये जो है मोटा पाना क्यों उधर ज़्यादा है, अब तो थोड़ा चेंज हो रहा है लेकिन चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, चावल राइस, चावल तो स्वामी जी बिहार में बहुत अब रागी और फिर अब मिलेट्स का प्रयोग बढ़ रहा है तो, और बंगाल में भी, लेकिन फिर वो बिहार में ना मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, अत्यंत पुरुषार्थी लोग होते हैं बिहार के। ठीक बात है। हाँ, बिहार में पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल तो खाते हैं लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, ये जो पुरुषार्थ थोड़ा कम हो गया और ये तो अभी बढ़ा है ना, जहाँ चावल ज़्यादा खाते हैं फिर गेहूँ भी बहुत ज़्यादा खाते हैं और गेहूँ के साथ फिर अब जैसे पंजाब हरियाणा आदि में तो पूरा दूध दही पूरे देश का मक्खन मटर पनीर ये सब रगड़ देते, तो ओवर ईटिंग अनहेल्दी ईटिंग। तो हरियाणा का दूध दही देखिए अभी और पेरिस तक कमाल कर रहा है, जुबान पर कंट्रोल तो रखने पड़े। हाँ, विनेश फोगाट ने इतिहास रचा जी, जी जी जी, ये बात घी भूल गए, घी भी है तो लेट करके और हरियाणा में तो भाई छोरे छोरिया दोनों ही मजबूत है। और कुल मिला के कहने का मतलब इसमें ये है स्वामी जी, भी बहुत बड़ा रोल निभाती है जैसे बेटियां जी,
कि खाना हर तरीके का खाना है, लेकिन योग लगातार करते रहना है, बॉडी को एक्टिव लगातार रखना है, तभी जो खाया पिया है वो अच्छे से पचेगा भी और तभी गोल्ड आएगा। बिल्कुल स्वामी जी, बेशक मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई हो, हेल्थ फैसिलिटीज भी दिनों दिन बेहतर हो रही हो, लेकिन ये एक बड़ा सच है कि लोग अब पहले से ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता अब कम होती जा रही है क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई है, और इस वजह से नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों ही लोगों के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले तो ऐसा क्यों हो रहा है और फिर समाधान क्या है? तो देखो, एक तो जहाँ तक ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उन्हीं के अंदर ज़्यादा बढ़ती हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो चाहे दौड़ लगाओ, चाहे खेलो, चाहे कुश्ती करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब इतने सरल योगाभ्यास हम रोज़ कराते हैं, कठिन कठिन जो यहाँ पर हमारी बेटियाँ कर रही हैं ऐसा ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, सरल सहज तो कर लो। ज्योत्सना जी की तरह, मीनाक्षी जी की तरह देखो कितना अच्छे से योग करती हैं और अच्छा खाती हैं। कोई सोचे कि जो है ये मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी इतनी स्लिम स्मार्ट हैं, शायद कुछ खाती ही नहीं होंगी। इन्होंने अपना राज खुद ही कह दिया, अच्छा खाओ लेकिन योग भी जम करके करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये योग कम करना और भोग ज़्यादा करना, भोग ज़्यादा लगाना, ये गड़बड़ है। और कुछ नहीं होता तो प्राणायाम ही कर लें। इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इम्यूनोग्रिट वट, इम्यूनोग्रिट क्वाथ, इम्यूनोग्रिट पाउडर हम देते, गिलोय देते, गिलोय दोनों काम करती है। ये इम्यूनिटी को भी ठीक रखती है, मोटापा को भी बैलेंस रखती है, शुगर भी नहीं होने देती है, और किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग है ना, बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज, उससे भी हमें बचा लेती है। तो देखो, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, नीम, हल्दी, ये तो सब घरों में हमने लगवा दिया, और अब ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए अवेयर रहेंगे, कुछ खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देंगे, फिर वही ढाक के तीन पार। तो हमको योग, आयुर्वेद को, जड़ी बूटियों के सेवन को, स्वस्थ आहार को अपना स्वभाव बनाना है। और जब हमने योग आयुर्वेद को अपना स्वभाव बना लिया, फिर तो डिजीज का खतरा नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि महीना भर कीटो डाइट करने के बाद फिर किलो भर डाइट नहीं लेनी है, उसे कंटिन्यू रखना है, अच्छा खाना खाना है। स्वामी जी, रिसर्च के मुताबिक महिलाओं की, चूंकि बात अभी थोड़ी देर पहले चली रही थी, ज़्यादातर महिलाएं बेवक्त खाना खाती हैं, अपने मील्स को स्किप कर देती हैं या फिर मिस ही कर देती हैं, कम लीन लेती हैं, स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा लेती हैं, और फिर वर्कआउट के लिए कहती है कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, खुद को भूल जाती हैं, और फिर धीरे धीरे असर उनकी सेहत पर दिखाई देने लगता है। तो योग अभ्यास के साथ साथ सही लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, ये आज आप समझाइए, और हो सके थोड़ी सी डांट भी पिलाइए। देखो ये वैसी कुछ डांटें भी अच्छी, बे समय खाना है ना, आयुर्वेद का एक बहुत बहुत बड़ा सिद्धांत महर्षि चरक, शुश्रुत भाग भट्ट, धन्वंतरी आदि ने बताया, काल भोजनम आरोग्य करण। महर्षि चरक ने चरक संहिता के स्वस्थ वृत्त में बोले, सबसे बड़ा आरोग्य का हेतु है काल भोजनम आरोग्य कराना और अकाल भोजनम रोग कराना। तो समय पर खाना खाएं। अब इसके लिए माँ बहन बेटियाँ सबको तो बहुत जिद करती हैं, बच्चे को समय से खाना खिलाना है, पति को और सास ससुर को सबको वक्त से खाना देना है, लेकिन खुद अपने लिए इस बात का ध्यान नहीं रखती। तो ये समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर जागना, ये जो जीवन चक्र है, काल चक्र है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो समय की एक अपनी भूमिका है, सुबह का सात्विक समय होता है, दोपहर का राजसिक, शाम का समय तामसिक भी होता है थोड़ा, लेकिन इस कालखंड में खाने का समय सुबह 8 बजे सर्वश्रेष्ठ है नाश्ते के लिए, दोपहर का 12 से 1 बजे
अधिकतम 2 बजे तक, और शाम का खाने का समय 7 बजे का सर्वश्रेष्ठ है, 8 बजे का मध्यम है, और 10 बजे के बाद तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। बहुत भूख लगी है तो दूध पी सकते हैं, थोड़ा फ्रूट खा सकते हैं। कुछ लोगों में गलत फहमी है कि रात को फ्रूट नहीं खाने चाहिए। मैंने अपने गिरीश आहूजा जी, तो हमारे बहुत बड़े योगी भी हैं, और उन्होंने अपने आप को पूरा साथ रखा, कोई बीपी नहीं, शुगर नहीं, थायराइड नहीं, अस्थमा नहीं, अर्थराइटिस नहीं, मोटापा नहीं, दुबलापन नहीं, मेमोरी लॉस नहीं, और सबसे बड़े देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। 5 लाख से ज़्यादा उनके शिष्य हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। शाम को फल खा रहे हैं पिछले 30 सालों से, तो मैं पिछले 20 सालों से फल खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्वामी जी सुबह वाले टाइम में थोड़ी सी राहत दे दीजिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुकूल खाना चाहिए, वात पित्त कफ के अनुरूप। सुबह 8 बजे वाले में थोड़ी राहत दे दीजिए, 8 बजे इंडिया टीवी पे। यही है, देखो आप यदि 8 बजे तो स्वामी जी हमारा कार्यक्रम आता है। ये रात के 8 बजे की बात मैं कर रहा था। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। आठ बजे के, 8 से 9 के बीच में, अर्थात योग करके फिर 9 बजे खा पी करके निकल जाएंगे। ये आपने ठीक कहा। तो और किसी को फिर भी ज्यादा भूखड़ है तो जूस पी करके इंडिया टीवी का प्रोग्राम देख करके योग कर सकते हैं। अब बात उस स्ट्रेस और टेंशन की भी कर लेते हैं जो अक्सर घरों में देखने को मिलती है, क्योंकि महिलाओं को एक साथ कई रिश्तों के साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है, और इसकी वजह से अक्सर महिलाओं को भी स्ट्रेस और टेंशन से गुजरना पड़ता है, जिसका कहीं ना कहीं असर घर में भी पड़ता है और महिलाओं की हेल्थ पर भी पड़ता है। तो स्वामी जी कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए जिससे मेंटल हेल्थ हर महिला की ठीक हो सके, हर घर की बेहतर। ध्यान मुद्रा ये स्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी है, और हिंदुस्तान की तरह बांग्लादेश में भी टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है इंडिया टीवी का कार्यक्रम। मेरे पास बांग्लादेश से हर दिन यहाँ पर लोग आते हैं, योगग्राम निराम में भी कहते हैं कि हम इंडिया टीवी रोज़ देखते हैं, आस्था के साथ योग करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये देखो, ये यहाँ से पॉइंट दबाया, यहाँ से पॉइंट दबाया, तो ये जो ये है ना, ये जो ये पॉइंट है, ये स्ट्रेस को रिलीज कर दे। जब हम एक बार सुबह ऐसे ताली बजा लेते हैं, इससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। सुबह एक बार हंस लेते हैं, उससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। भगवान की भक्ति करने से, शरणागति से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। ये ध्यान मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है, इसमें अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करने से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। मेधावटी मेमोग्रिट ओमेगा ब्राह्मी घृत मेधापात मेधाष्टि से हवन करने से, नाम जप करने से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। और स्वामी जी कुदरत की खूबसूरती देखने से भी सेवा करने से स्ट्रेस रिलीज होता है, हमने आपने तो आपसे सुना है, पेड़ पौधों को देखने से होता है। तो पेड़ लगाने के सबको जागरूक हम करते ही रहते हैं, इसलिए अब शुरू करते हैं, अब बढ़ते हैं अपने उस मिशन की तरफ जिसे हमने नाम दिया है, एक पौधा सेहत के नाम। ये जरूरी है। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगाना सिखाने वाले हैं आप, और उसके फायदे क्या क्या हैं ये भी बताइए। और तो आज का पौधा हमने चुना है मकोई। ये आप मेरे सामने मकोई देख रहे हैं, थोड़े दिन में इसके ऊपर फल भी आ जाएंगे, थोड़े काले काले से कुछ ऐसा फल आया हुआ भी है। तो ये हमने ये मकोई भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई, ये पूरे भारतवर्ष में होते हैं। कितना ही शरीर पर सूजन हो, स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज़, तो ये इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार के शरीर में सोथ है, स्वेलिंग है, उसको दूर करने के लिए, चाहे वो अर्थराइटिस से रिलेटेड है, चाहे लीवर किडनी की वजह से स्वेलिंग है, किसी भी कारण से शरीर में स्वेलिंग है, उसको दूर करने में ये मकोई बहुत, मकोई का रस पीना है, और कोई भी रस 25 से 50 ml लेना होता है। तो मकोई का रस ये लीवर के कारण से, किडनी के कारण से, अर्थराइटिस के कारण से, या शरीर में वाटर रिटेंशन के कारण से स्वेलिंग आ जाती है, उसके लिए ये परम औषधि है। ये फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस की भी परम औषधि है। जब ज़्यादा रोग बढ़ जाता है लीवर का, तो स्वामी जी इसमें मकोई के फल की बात कर रहे हैं रस की, या मकोई के पत्ते का रस? लोगों का मकोई का पंचांग, मकोई के पत्ते, मकोई के फूल, मकोई का फल, ठीक है सामान्य रूप से। लेकिन स्वामी जी जब से आपने मकोई की महिमा बताई है, ये बाजार से गायब हो गया ये फल, अब ठेलों पे नजर ही नहीं आता, अब शायद वो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस पर कब्जा कर लिया होगा। बहरहाल अब अगले मिशन की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी, बारी है फैक्ट चेक। इसकी सब्जियां भी अच्छी बनती हैं।
स्वामी जी, सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि हेपेटाइटिस छूने से भी फैलता है, क्या यह दावा सच्चा है या झूठा है? ये दावा पूरी तरह से झूठा है। हेपेटाइटिस बी ये तो ब्लड के संक्रमण से होता है, इसलिए ये आजकल सभी जगह सुई जो भी लगाई जाती है, नीडल्स, ये फ्रेश ही यूज की जाती हैं, कहीं उस तरह पहले करते थे। और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी के शरीर में जैसे HIV वो भी निडर से फैलता है, ऐसे ही ब्लड का संक्रमित ब्लड किसी भी कारण से शरीर के अंदर चला जाए, किसी का संक्रमित ब्लड ठीक से टेस्ट ना किया अगर वो भी किसी के शरीर में चला जाए तो ये ब्लड से फैलता मुख्य रूप से। हाँ, हेपेटाइटिस के जो दूसरे कैटेगरी है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस सी है, ई है, डी है, ये जो है संक्रमित भोजन से भी फैलते हैं। ये माँ को यदि हेपेटाइटिस है तो बच्चों के होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती लेकिन है, लेकिन छूने से नहीं फैलता। माताओं को अनुलोम विलोम आदि करना चाहिए, हेपेटाइटिस वालों को अछूत बनाने की जरूरत नहीं, छूने से नहीं फैलता। तो ये दावा भोजन से बचना जी, ये दावा झूठा है और ऐसे ही दावों से हम लगातार आपको बचाते हैं, आगाह करते हैं। स्वामी जी, अब योग चैलेंज का वक्त है। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर विजेता से आपको मिलवाएंगे। छोटे मोटे बच्चे हो या फिर बड़े बड़े लोग, कितने प्यारे प्यारे बच्चे, देश के हर एक राज्य से, हर एक शहर से, हर एक उम्र के लोगों ने ट्राई किया है, कोशिश की है। अच्छा, पुणे से जो बुजुर्गों की तस्वीरें आती है योग करते हुए, इतनी मोटिवेटिंग। पुणे में स्वामी जी का जादू कुछ ज्यादा ही चला है। बहरहाल स्वामी जी, अब आपकी मुलाकात आज के विजेता से करवाते हैं। 68 साल की चंद्रमुखी गुप्ता ये हैं आज की विजेता, इनके लिए बहुत सारी तालियां। 68 ईयर्स, 68 साल स्वामी जी। भाई चंद्रमुखी जी अब योग मुखी हो 68 में, तो लक्ष्मी जी ने जो 60 साल की उन्होंने चैलेंज दिया था और जो है चंद्रमुखी जी ने जयपुर से इस चैलेंज को बीट किया है। तो अब देखो जो है ये भूनमन आसन, ये कल का चैलेंज दे रहे, दोनों पैर ऐसे साइड में फैलाए धीरे धीरे जैसे साक्षी जी ने फैलाए, फिर दोनों हाथ भी फैला दिए। अब ये दोनों हाथ साइड में चले जाते हैं और छाती पेट थोड़ी ये जमीन से लग जाती है और ऐसे ही क्या नाम है वीणा की जी की भी वीणा है, प्रेरणा की भी प्रेरणा से आप लोग ये सीख सकते हैं। तो इधर प्रेरणा जी ने इसकी प्रेरणा दी है और थोड़ी जमीन पर टिका और भू नमनासन का ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अपने वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए और फिर जो विजेता बनेगा उसे स्वामी जी की तरफ से इनाम भी मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला। प्रणाम स्वामी जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।